प्रियंका असम में बोले सीएम हेमंता, कांग्रेस में थे तो उनके खिलाफ गंभीर आरोप लगे थे, भाजपा में जाते ही सब भूल गए। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने असम के धुबरी में चुनावी रैली के दौरान कहा, असम में माफियाओं का राज चल रहा है। जब आपके सीएम कांग्रेस पार्टी में थे तो उनके खिलाफ गंभीर आरोप थे, भाजपा में जाते ही उन पर लगे सभी आरोप धुल गए। प्रियंका ने कहा कि भाजपा ने एक वॉशिंग मशीन विकसित की है जहां भ्रष्ट लोगों को डालकर साफ कर दिया जाता है। ये चीज सबसे पहले उन्होंने आपके सीएम के साथ किया है। आज देश में 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है क्योंकि सरकार में बैठे मंत्रियों का सारा ध्यान अपने स्वार्थ पर है। देश में 30 लाख से ज्यादा सरकारी पद खाली हैं, लेकिन जिससे भी बात करो वो बेरोजगार है। तेलंगाना और कर्नाटक में कांग्रेस के मुख्यमंत्री कांग्रेस की गारंटियों को पूरा कर रहे हैं, वहीं असम में बीजेपी के शासन में माफिया राज चल रहा है। सरकार का पूरा ध्यान अपने स्वार्थ पे है, मंत्रियों का, सीएम का, सबका अपने ही स्वार्थ में है। हम कैसे कमाएंगे, जनता कैसे कमाएगी, जनता के क्या संघर्ष हैं, कोई इन पर ध्यान नहीं दे रहा है। आज बेरोजगारी इतनी ज्यादा बढ़ गई है, 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हमारे देश में है। आपको मालूम है 70 करोड़ लोग बेरोजगार हैं, 70 करोड़, 30 लाख खाली पद पड़े हैं, 30 लाख खाली पद केंद्र सरकार में पड़े हुए हैं, इतने सालों से उनको भरा नहीं गया है। जिससे बात करो बेरोजगार है।